शंभु शिवा महादेवा, शंभु शिवा महादेवा। कर्पूर गौरम करुणावदारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम। इंडियन आइडल फेम फरमानी नाज के यूट्यूब पर लाखों फॉलोअर्स है, लेकिन उन्हें भजन की वजह से कट्टरपंथियों की नाराजगी का सामना करना पड़ा है। फरमानी के शिव भजन हर हर शंभु को लेकर देवबंद के उलेमा खासे नाराज हैं और उनका कहना है कि फरमानी को इससे तौबा कर लेनी चाहिए। फरमानी ने अपनी लाइफ में उन मुसीबतों का सामना डटकर किया है जिसके सामने लोग अपने घुटने टेक देते हैं। फरमानी इन सबसे अलग अपने शौक, अपने जुनून और अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान दे रही हैं। और बताया जाता है कि उन्होंने अपना स्टूडियो बनाने पर 1 करोड़ रुपए खर्च कर डाले हैं। इस बात की जानकारी खुद फरमानी ने दी है। फरमानी नाज ने अपने YouTube चैनल पर स्टूडियो का वीडियो अपलोड किया है। वीडियो का टाइटल है 1 करोड़ रुपए का स्टूडियो, अपनी मेहनत और आपकी दुआ से बनाया, आपको आज दिखाते हैं। वीडियो में फरमानी बता रही हैं कि मेरे स्टूडियो में आकर लोग वीडियो बनाते हैं, मैं आज अपने स्टूडियो को खुद दिखाने जा रही हूँ, इसी जगह हम लोग अपने गाने की रिकॉर्डिंग करते हैं। बाहर से आपको ये इतना सुंदर लग रहा है। स्टूडियो के पहले कमरे की दीवार पर यूट्यूब के बटन्स रखे हुए हैं। इसके बाद फरमानी मुख्य स्टूडियो में दाखिल होती है। मुख्य स्टूडियो में फरमानी नाज ने एक मंदिर भी बनवाया है। वीडियो में फरमानी अपने गाने के राइटर से भी मिलवाती हैं। वो अपने फैन से कहती हैं कि हमेशा मुझे आप लोग यूं ही सपोर्ट करते रहें। यूट्यूब पर इस वीडियो को 12 लाख से अधिक व्यूज मिल चुके हैं। गौरतलब है कि फरमानी का एक वीडियो यूट्यूब पर काफी वायरल हुआ था। इसके बाद उनका सिलेक्शन इंडियन आइडल में हो गया था। हालांकि बेटे के ऑपरेशन के कारण उन्हें इंडियन आइडल बीच में ही छोड़ना पड़ा था। फरमानी नाज उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की रहने वाली हैं। उनकी शादी साल 2017 में मेरठ के एक गांव में हुई थी। बेटे के जन्म के बाद ससुराल वालों ने उन्हें घर से निकाल दिया था। दरअसल बेटे को जन्म से ही बीमारी थी। फरमानी ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान बताया है कि उनके पति ने बिना उन्हें तलाक दिए दूसरी शादी कर ली थी।